ऑल, तो कैसे आप सभी? आई होप यू पीपल आर टोटली फाइन। एंड टुडे आई एम शूटिंग अ न्यू वीडियो विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है ना यार कि रूम पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती, हॉस्टल में अच्छे से नहीं हो पाता। तो एक प्रॉपर ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पर हम आराम से बैठ के पढ़ाई कर सके, अपार्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी है ना यार वो मंडे टू फ्राइडे खुली रहती है, सैटरडे संडे ऑफ रहती है, और जनरली हमारे पास सैटरडे और संडे ही रहता है सेल्फ स्टडी के लिए। सो टुडे आई एम शूटिंग स्टड हाउस, जो कि ये रहा मेरे पीछे, और ये इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल का एक मुझे नहीं पता बाकी कॉलेजेस में ये स्टड हाउस होता है या नहीं, पर यहाँ पर है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पर। हम यहाँ पर आराम से खाना पीना खा सकते हैं, आराम से हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची हमारी वीडियो देख रही है। सो यस, लेट मी शो यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस, कि क्या है ये, कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है ये, क्या कर सकते हैं हम, सारी चीज़ें। तो ये रहा हमारे पास स्टड हाउस, एंड लेट मी शो यू, ये रही मेरी हॉस्टल की बिल्डिंग। तो ये हॉस्टल है और ये स्टड हाउस है, और दोनों का अटैचमेंट यहाँ बीच में है, ठीक है। तो ये एकदम पास पास है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा दूर है, तो एकदम पास है। और नाउ लेट मी शो यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस, ठीक है। सो क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे है सारी चीज़ें, सो लेट मी शो यू स्टड हाउस एंड दैट्स द एंट्रेंस। ये हमारी मैम है जो कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट पे वर्क करती हैं। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? तो दैट्स द एंट्रेंस जहाँ से हम अपनी एंट्री करते हैं, एंड लेट मी शो यू एवरीथिंग। सो हमारी जो एंट्री होती है वो इस कार्ड के थ्रू होती है, जो हमारा स्टूडेंट कार्ड होता है, हमें यहाँ पे टैप करना होता है और हमारा गेट खुल जाता है। फॉर्चुनेटली हमारा गेट किसी और ने खोल दिया। सो यस, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ स्टड हाउस, दिस इज द रिसेप्शन, एंड ही इज आवर एडमिनिस्ट्रेटर, प्लीज से हाई। सो यहाँ पर हमें अपनी रजिस्टर करानी पड़ती है, हमें कहाँ जाना है, कुड यू प्लीज रजिस्टर इट, को वर्किंग स्पेस। थैंक यू। सो ये हमारा पूरा रिसेप्शन एरिया है, दिस इज ऑल एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर नीचे, जहाँ पर हम अपने जैकेट्स वगैरह रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे हमारा एक प्रॉपर स्पेस बना होता है जहाँ पे हम अपनी जैकेट्स वगैरह रखते हैं। तो लेट मी शो यू सुपर फास्ट, दिस इज द एरिया वेयर वी कीप आवर जैकेट्स। डोंट वरी, यहाँ से कुछ चोरी नहीं होता, ठीक है। नाउ लेट्स गो to the first floor first। वैसे यहाँ पे ना first floor को second floor कहते हैं, और जो ground floor है उसे first floor कहते हैं। Here something is written, yeah, lovely view for you, and it's very beautiful। काफी सुंदर तरीके से सजा रखा है इसे। यहाँ पर हमारा एक बैठने का छोटा सा बना रखा है। Then here are some decorations. This is the place where we can just sit, read books or do our work peacefully. और यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी भी है, प्रॉपर पूरा अच्छे तरीके से वाईफाई काम करता है। ये हमारा है वॉशरूम, और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे सजा रखी है। And then this is the whole thing. कितना सुंदर बना रखा है एवरीथिंग। यहाँ पर हमारे पास ऐसे रूम्स हैं जिन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं, और ये जो रूम है ये पूरे टाइम खुला रहता है बिकॉज इट इज़ गेमिंग रूम। यहाँ पर पूरा हम इंडोर गेम्स खेल सकते हैं प्रॉपर तरीके से, अच्छे से। हेयर समथिंग इज रिटन बिफोर यू, वुदुशी इज दिस, फ्यूचर इज हेयर, एवरीथिंग इज देयर। चेस है हमारे पास, बाकी के कार्ड्स एंड ऑल है। ये मे बी रशियंस गेम्स है, मुझे इतना आइडिया नहीं बिकॉज आई डोंट प्ले, बट एवरीथिंग इज देयर, यू कैन यूज जो भी आप चाहते हो वो आप आराम से अच्छे से यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रूम। सो दिस वॉज ऑल, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। बाकी के जगह पे भी ऐसे रूम्स बने हुए हैं जिन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं, कोई भी हमें इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करना हो। और ये बहुत बड़ा ना हॉल है, ये भी लॉक हो रखा है। ये बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर हम
इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर और देखते हैं वहां पर क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट फ्लोर डन हो चुका है, नाउ लेट मी शो यू अनदर फ्लोर जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर है। अकॉर्डिंग टू देम इट्स फर्स्ट फ्लोर, बट अकॉर्डिंग टू अस इट्स ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे बाकी लोग भी हैं, सो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे कार्टून में बना हुआ है और इस पर लिखा हुआ है कि कैन यू प्लीज टेल मी कहाँ पे हम पढ़ाई कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कितने टाइम तक ये खुला रहता है, क्या रहता है। सो ऐसे कार्टून में लिखा हुआ है ये। और ये हमारा है डांसिंग एरिया, आई थिंक इट्स वर्क्ड क्योंकि हम इसे शूट ही कर सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेस इज दिस एरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आराम से अपना खाना पीना भी खा सकते हैं। अभी मैंने जो बाकी के एरिया दिखाया है वेयर देयर वी कैन नॉट ईट फूड, बट हेयर वी कैन स्टडी। ऐसे हमें प्रॉपर अपना एक पर्सनल स्पेस मिल जाता है जहाँ पर हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी करनी है तो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो हम इस एरिया में कोई सा भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बोर्ड्स, टीवी, एवरीथिंग, हमें सारी चीज़ें यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। सो ये हमारा सारा पढ़ाई वाला एरिया था जहाँ पर हम इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड दिस एरिया इज़ फॉर फूड जहाँ पर हम खाना खा सकते हैं। ऐसा हमारे पास वेंडिंग मशीन है जहाँ से हम चीज़ें खरीद सकते हैं। एंड दिस इज़ द एरिया वेयर वी कैन ईट फूड। अब हम पहले क्यों नहीं खा सकते बाकी एरियाज़ में, क्योंकि लोग गंदा कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो माइक्रोवेव्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपना खाना वगैरह गर्म करने के लिए। एंड देन वी हैव टॉयलेट्स हियर अटैच विद दिस रूम। एंड देन ये हमारे पास अलग फिर से वही पर्सनल स्पेस वाला स्टडी एरिया है जहाँ पर हम आराम से बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है, लाइक लिटरली यू गेट ऑल द वाइब्स हेयर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास साइड में दो रूम है जिन्हें हम बुक कर सकते हैं अपनी पर्सनल स्पेस के लिए, पर्सनली पढ़ने के लिए वी कैन बुक इट। एंड या दैट्स ऑल एवरीथिंग। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। ये हमारा जो छोटा सा स्टड हाउस है, आई होप ये आप सभी को पसंद आया होगा। एंड आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए सो दैट आई कैन मेक इट एज सुन एज पॉसिबल एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे ये सारी वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय।